लॉटरी मार, ये पता क्या बनेगा, लॉटरी मार के फ्री में कैसे जा सकती, फ्री में एंट्री होगी। पहुंच गए हम गाइस फ्लोटिंग मार्केट, ये रही पूरी पार्किंग, और ये देखो यहाँ पे सामने बड़ी सी बोट बना रखी है, बहुत बड़ी वुडन, ये लिखा हो फ्लोटिंग मार्केट। देखते हैं अंदर जाने देते हैं, नहीं जाने देते, मुझे लग रहा है कि अंदर ना शॉप्स वगैरह होती हैं तो वो बंद हो गई होंगी यार, 6 बजे क्या लिखा हुआ था, मैंने गूगल पे देखा था कि 6 बजे बंद हो जाता है, वैसे भी ये सारे पंचुअल हैं लोग, तो 6 का 6 5 नहीं होने देते। ये लो भाई ये वाला, ये फ्लोटिंग मार्केट, और ये इनके किंग है, उनकी फ़ोटो लगा रखी है। टिकट है भाई 9 एंट्री फ्री है अभी? नहीं यार। किन्ने दिया? 200 बाट। अभी कह रहे थे 6 बजे बंद हो जाता है शायद, 6 बजे बंद हो जाता है। कितने जाने हैं? 50। कितना फायदा करता है इतना? क्या अंदर अंदर स्कैनिंग तो नहीं करी ना किसी ने? नहीं यार, किसी ने स्कैनिंग नहीं करी, जब इतना एंटर हो गया किसी ने नहीं पूछा। 200 बाट का। कोई नहीं है लेकिन मेरे को लग रहा है बंद हो गया। चलो चलो चलो, घुस जाएगा, घुस गया घुस गया। मास्क के लिए कह रहे हैं वो भाई, घुस तो गया अंदर, तो किसी ने रोका नहीं अभी, मुझे लग रहा है तो बंद हो गई, इसलिए किसी ने कोई रोका नहीं, ना कोई गार्ड खड़ा। आ जाओ जल्दी आ जाओ प्लीज। तो भाई ये है फ्लोटिंग मार्केट, अंदर घुस गया, बंद हो गई है मार्केट लेकिन, है ना, बंद हो गई है। ये सारी स्टोर्स है भाई, ये सारी वुडन है, और ये पानी के ऊपर ही है पूरी मार्केट। फ्लोटिंग मार्केट, ये पता क्या बनेगा, फ्लोटिंग मार्केट फ्री में कैसे जा सकती, फ्री में एंट्री होगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सभी कुछ खाने का देख ले जो हम खा सके, बैठ जाएंगे थोड़ी देर खा पी लेंगे यहाँ पे। ये बोट पे जाते रहिए, बोट वाली राइड पूछ ले कितने की है। अलग अलग तरह की गन्स बना रखी हैं वुडन की, मतलब परचेज कर सकते हो आप। हाँ स्नाइपर्स भी, और मतलब जो गन जैसी है ना वो उसी प्रेशर से काम कर रही है। ये सारी वही थे पबजी वाली गन, ना गन तो भाई वो आराम से, और उसने अभी स्नाइपर चलाई थी ना, 6 ही कर दिया उसको। हटिया हटिया हटा, और मैं यहाँ का व्यू आपको दिखाना चाहती हूँ जो कि बहुत ऑसम लग रहा है। ऐसा है यहाँ पे, और यहाँ चल रहा है फोटो शूट, क्योंकि यहाँ से बैकग्राउंड में मस्त सीन आ रहा है, पूछे पूरा लिखा हुआ आ रहा है पटाया फ्लोटिंग मार्केट, और यहाँ पे पूरा बोट्स वोट्स और यहाँ के रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं क्योंकि हम उसके क्लोजिंग टाइम पे आए हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो बंद हो चुकी हैं, तो देखते हैं कि अब तो हम दोबारा एक्सप्लोर करने हैं यहाँ पे। मम्मी और के साथ ये भी चिल मार रही है स्ट्रॉलर के साथ, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स एक्सप्लोर करने के लिए। ये रही शॉप, ज़्यादातर कपड़ों की है इस तरफ, तो और आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं अपने लिए। और ये बंद हो रही है, सारा सामान अंदर रख दिया भैया जी ने, पैन केक है शायद, यहाँ पे पैनकेक्स हैं, सेम पैनकेक जैसा टेस्ट है बट अंदर फिलिंग्स है। हाय कर दो, हाय कर दो, पूरा पूरा ऐसे इधर से देखो, इधर से चलो हाय कर दो, क्यों हाय कर दो, क्यों फ्लैंकिश कर दो। चलो बाय बाय। तो अंदर तो बहुत बड़ी मार्केट है यार अंदर, और ये पूरी मार्केट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो बोट पे बैठ के। ये भी रेस्टोरेंट है लेक व्यू, क्यों पापा को देखो बेटा क्यों कांचो।
तो इधर भी सारी शॉप्स हैं, इधर भी शॉप हैं, और ये देखो 200 बाट का इतना प्यारा सा बैग है। सवा दिखा, नमस्ते। ये वाला भी अच्छा लग रहा है यार, ये साइड छोटे बैग हैं भोपे, ये इनकी क्वालिटी देख रहा है कितना अच्छा लगेगा ये टांगा हुआ आगे। दिस हाउ मच? 250। ये साबुन है साहब, ये ले जा, ये मैं भी लेके गया था पहले, ये ले ले, सस्ते मिल जाएंगे घर पे। थाईलैंड के साबुन, हाँ ये देख, जैसे आम है ना, इसमें आम की ही खुशबू आएगी तगड़ी। दिस 1 for 100 baht, महंगा है बड़ा। मैं 100 baht का पता नहीं, 120 baht के चार लिए थे मैंने, कि कोई से भी चार ले लो, है ना बीप्स। दिस हाउ मच? 120 baht के साहब, 120 baht के पाँच, वो तो लगा लेंगे ना अगर तेरे मन है तो। 120 के दो हैं, ये पूरा साला है पैकेट। अलग अलग तरह के पाउचेज हैं गिफ्ट करने के लिए। और यहाँ पे ना मुझे छोटी छोटी ड्रेसेस दिख गई थी क्यू के लिए, तो इसलिए हम घुस गए। तो अगर होगी सही रेट तो ले लेंगे क्यू के लिए, है ना। ये देखो, ये पूछना, दिस इज हाउ मच? 250 baht। हाँ वो इधर पर्स है, मार्केट है, बाकी तो यहाँ पूरे थाईलैंड में कहीं भी चले जाओ तो यही सेम चीज़ें मिलती हैं। बस ये है कि जो आप जैसे कोई इसके आसपास स्टे कर रहा है तो हमारे व्लॉग्स के थ्रू उनको पता चल जाएगा कि हाँ उनको पास में मिल जाएगा, क्योंकि जैसे हमारा विला जो है वो इसके कितना पास था, 5 मिनट में हम लोग पहुँच गए। हाँ तो बजट चल जाती है ना जब चीज़ें, तो ले नहीं पाते, मन मारना पड़ता है। बढ़िया बस तो ले लो, क्यों के लिए लेना था हमें, बट वो बहुत महंगी बोल रही है। ऐसा लग रहा था असली वाले आम टंगे में। चलो चलो, जैसे पानी भरा हो ना चारों तरफ, तो आप ऐसे बस एक्सप्लोर कर सकते हो बोट में, तो बोट पे जैसे घूमते घूमते आप खा पी सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। ये पता नहीं क्या, ये ब्लैक कोकोनट है, पता नहीं क्या है। और इसके अंदर यहाँ पे इंडियन बुफे वगैरह भी है 200-250 baht में, वो भी बंद हो गया शायद, एक ही शॉप भी बंद हो गई है, कुछ कुछ खुली हुई है। सारा पानी भरा हुआ, मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंडा ठंडा। यहाँ से शॉपिंग शॉपिंग कर सकते हैं मम्मी, और यहाँ पे आके भी है ना। दिस हाउ मच? दिस 180 baht। ओके, ये मैगनेट वाले हैं सारे, दिखा ना भाई, ठीक है 150 baht का भी। असली मकड़ी कैद है इसके अंदर, ये रियल है, ओरिजिनल, ये सारे ओरिजिनल हैं इसके अंदर की चेंज में। इसके अंदर मकड़ी देना देना, मकड़ी वाला, ये सारे ओरिजिनल है। ओ भाई साहब, बिच्छू काफी एंटिक फीलिंग है यहां पे, ए बी सी डी और काफी सस्ते भी है। एच आई जे के एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू ई डब्ल्यू एक्स वाई एम डी। नाउ आई नो ए बी सी, आई एम द टीचर, इंग्लिश टीचर। ओह इंग्लिश टीचर यू आर, इंग्लिश टीचर। अभी अभी वो की चेंज ले रहा था अभी, नेल कटर वाले, तो बहुत बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं वो, तो वो 200-250 baht का बोला था उसने, तो बार्गेन करते करते सभी 150 baht पे लेकर आ गया, पहले 200 फिर 180 फिर सीधा 150 पे आ गया। तो अभी प्रीति मैडम को कोई पर्स आ गया पसंद, तो वो पर्स भी सीधा 250 baht बोला, उसे पता है कि फिर ये बार्गेनिंग करेंगे। ये वाला सेम ही तो डिजाइन, सेम डिजाइन, डिफरेंट कलर। 250 ओके, 250 नहीं, 150 में दे देगी तो ठीक है ना। 150? ओह नो नो नो, इम्पॉसिबल, प्लीज। नो यार, तुमसे अच्छी तो सभी बार्गेनिंग कर गया, 250 baht बोले थे, नेल कटर के 150 में दे दिया। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो ये है गाइस बस फ्लोटिंग मार्केट पूरी, अंदर काफ़ी सारी शॉप्स हैं खाने पीने की, और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा है, बहुत शांत है और बढ़िया था। एंट्री इसकी 200 baht की है वैसे, और इस टाइम कोई चेकिंग वाला कोई नहीं खड़ा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बंद हो चुकी है, 6 बजे की टाइमिंग थी लास्ट। कुछ दुकानें खुली हुई थी तो इन्होंने शॉपिंग कर ली थोड़ी सी, प्रीति ने बस एक पर्स ही लिया है, 200 baht का दिया उन्होंने, 250 का बोल रहे थे, ज़्यादा सस्ता करा नहीं, 150 baht बोल रहा था मैं तो, 200 baht वैसे ज़्यादा दे दिया हमने, बट कोई नहीं, पसंद आ रहा था उसको कुछ तो ले लिया। क्यू के लिए भी वो हमें पसंद आ रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा महंगी बोल रही थी वो ड्रेस, क्योंकि क्यू का तो ग्रोथ टाइम है तो वो बढ़ रही है, तो हम एक ड्रेस अभी लेंगे वो 1 महीने में छोटी हो जाएगी उसकी, वो वर्थ नहीं था। तो हम आ चुके हैं बाहर,
तो ये रहा गाइस, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था इंडियन बुफे का, मैंने उस टाइम देखा भी था बट मैंने इंडियन नहीं देखा था। इंडियन बुफे है ब्रेकफास्ट 250 बाट का, लंच डिनर 400 बाट, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 90 मिनट में जितना टूट सकता है टूट लो। ये पीछे हमारे फ्लोटिंग मार्केट है उसको बिल्कुल ऑपोजिट ना, ये सामने भी कुछ है, कुछ एडवेंचर करके लिखा हुआ है, डायनासोर एडवेंचर। और ये देखो गाइस ऊपर आसमान में मस्त उड़ रहे हैं बंदे, कितना शांत उड़ रहे हैं यार, आराम से मज़ा आया वैसे। तो अभी 7-Eleven आ गए, वो जा रहे थे हम डायनो उसमें एडवेंचर में, डायनासोर एडवेंचर में, बट क्यों को भूख लग रही है और रो रही है, तो हम 7-Eleven आ गए। ये अभी तक का हमारा सबसे बड़ा 7-Eleven है। चलो हो जाते हैं अंदर, स्ट्रॉलर बाहर ही रख जाऊँ क्या, पार्किंग में लगा रहा हूँ। अंदर से आ रहा 7-Eleven के अंदर से आ रहे भाई साहब, चला जा। बिना मास्क के घुस गए हैं सारे के सारे, ओनली पीप्स इज फॉलोइंग द रूल्स। पीप्स उसके लिए दूध लो सबसे पहले, तू यहाँ के रुक जाता है हमेशा। चलो कोल्ड कॉफी हर जगह है ही नहीं यार, अरे हॉट है मिली हॉट, स्लश है स्लश, क्या है कोको स्लश, स्लश कितना मस्त लगेगा। कितने का है? 12 बाट का है, ले लो छोटा। ओ भाई साहब कोकोला, ओ भाई ये तो मजा आने वाला है, ये पी के भाई ये बहुत बढ़िया, ये पीने का मजा आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा अंदर। हाँ सेम ही है, सेम कोको कोला, फ्रीज है इसके अंदर, फ्रीज नहीं है ना, अच्छा स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं, चॉकलेट ही लो, चॉकलेट नहीं है कोको कोला है। ग्लास को खुद भरने की वो है ना, तो ये देखो भाई साहब पूरा ऊपर तक भर कर आ गया, ऊपर तक खुशी देखो, क्योंकि वरुण दोबारा भर के आया, पी के दोबारा भर के आ गए। ऑरेंज स्क्वीजी, स्ट्रॉबेरी स्क्वीजी ब्रेड पे लगा के खाने, वो बहुत बढ़िया, दो ले ले पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, बढ़िया है वो चॉकलेट मिल्क है, क्या है जम गया, यू दे दो बेटा, स्कैन करेंगे स्कैन, फिनिश फिनिश, लो भाई दे ही नहीं रही थी यार, रोई जा रही थी। आधे वहाँ से रास्ते में ना पीते पीते आ गए हैं, यहाँ पे बिलिंग कराने लगे, तो उनको लग रहा खाली आधा लेकर आए हम, तो कह रहे फिल कराओ दोबारा, उसने दोबारा फिल कर दिया। क्यों बेटा, थोड़ा सा सबर करो, सबर करो, हाँ चलो पी लो दो। क्यों के लिए भी हमने ये लिया है मैजी का बनाना वाला मिल्क फ्लेवर, जब भी हम 7-Eleven जा रहे हैं ना क्यों को लेकर, वो भी ऐसे इंजॉय कर रही है हमारे साथ। चिड़िया की आवाज़ें तो सुन ही रहोगे आप लोग बैकग्राउंड में, इतनी आवाज़ आ रही है ना ऐसा लग रहा है पूरा झुंड भरा हुआ है, जितने पेड़ है ना जितने सारे पेड़ सब में चिड़िया बैठी हुई है, सब में, कैमरे में नहीं दिखेगा बट हमें आइज से पूरा विजिबल हो रहा है, बहुत सारी बर्ड्स है अलग अलग शेप के लिए अलग अलग यहाँ पे। तो ये जो हमने अभी ना अंदर से स्लश लिया था ना कोका कोला वाला, ये स्ट्रॉ से ऐसे पीने के लिए है, और स्ट्रॉ नीचे से ऐसे स्कूप बना हुआ है, तो ऐसे आइज ऐसे भी खा सकते हो। ओके खाप उन खाप। तो गाइज अभी हम लोगों ने वही बाहर बाहर से सारा घूम के आ गए फ्लोटिंग मार्केट, रुक जाओ अभी यहीं ब्लॉग एंड करना है, फ्लोटिंग मार्केट वगैरह होकर आ गए, और मतलब वैसे तो बंद हो गई थी बट पता चल गया अंदर क्या होता है और कितने की टिकट है, और अंदर सारी मार्केट ही है, और टाइगर पार्क भी हम लोग होकर आ गए हैं, तो हमारा प्लान बन रहा है कि देखते हैं कल सुबह सुबह टाइगर पार्क हो जाएंगे एक बारी और सफारी कर लेंगे सारे मिलके, देखेंगे जिसने करनी होगी। तो अभी हम लोग जस्ट टैक्सी करके ना फिर आ गए हैं, एक नाइट मार्केट लगती है पटाया में, काफ़ी बड़ी है, तो वो मैं एक्सप्लोर करूँगा और आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा, तो ये वाला ब्लॉग लंबा ना हो जाए इसलिए इसको एंड कर रहा हूँ अभी यहीं पर। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रॉम थाईलैंड। नरणा का फल पाको छेता मेरी छेला।